सुखमनी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक उनकी करंट फीलिंग्स। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और क्या वो आपके पास वापस आएंगे भी या नहीं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि सही गाइडेंस आपको मिल पाए। तो सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स देख लेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? थैंक यू सो मच। द स्टार, नेक्स्ट इज एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून and the Hierophant. Bottom of the deck, it's King of Cups. ठीक है, देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले करंट फीलिंग्स जैसे हमने देखनी थी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे अभी बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है अपने आपको बहुत समेट कर बैठे हुए हैं ये पर्सन, इनसे हो नहीं पा रहा है या आपके बिना सच में रह नहीं पा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को बहुत ही छुपा कर, दबा कर और अंदर ही अंदर इन्होंने रख रखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है ये सामने से इतना नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। बट ये सही समय का शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही जो है इनके पीछे आ जाएंगे और आप ही इनके साथ रिकनेक्ट कर लेंगे, सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर ये पर्सन अपने अपने मन की बात को अपने मन के अंदर दबा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। ये एट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो हमको ये बता रही है कि पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से ये आप तक पहुँचे, कैसे ये आपके पास आए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे वॉन्ड्स भी टेढ़े जा रहे हैं, है ना, सीधे नहीं है, टेढ़े जा रहे हैं। तो तरीका नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश तो इनकी, इनको ऐसा लगता है कि कोशिश ये करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्शन मुझे दिख रहा है करना चाहते हैं, बट वो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। तो किस हिसाब से इनको आपके पास आना है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। बट मन ही मन में ये चीज़ जानते हैं कि आप भी इनके बगैर खुश नहीं हैं, बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं, एंड ये ज़रूर इस थर्ड पार्टी से भी निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इनको मज़ा आ रहा है, और ये गलती से मुझे लगता है कि उस तरीके की प्रॉब्लम में ये फंस गए हैं ज़रूर, एंड ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बट ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द स्टार कार्ड, ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत, ग्लैमरस एंड यू नो अट्रैक्टिव पर्सन कोई भी नहीं है। तो इनको क्यों इतना अट्रैक्शन होता है आपसे, आपकी लुक से, आपकी इनर ब्यूटी से, आउट ऑफ ब्यूटी से, हर तरीके से बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको समझ नहीं आता है क्यों मुझे इतना इसकी तरफ वो अट्रैक्शन है, वो पागलपन है, वो क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता। मैं इसे चाह कर भी अलग क्यों नहीं हो पाता हूँ अभी तक भी। हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुए हुए कोई टाइम भी हो गया हो, बट फिर भी ये पर्सन आपसे निकल नहीं पाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें। बार बार हो सकता है उन्होंने कोशिश भी की हो इस रिश्ते से बाहर आने की, बट फिर भी ये पर्सन आपसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एंड इनको डर सताता है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं कहीं पर। ये कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर वो सारी चीज़ों को समेट कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, बट प्यार इतना है कि मैं क्या बोलूं। डरते हैं ये, बेसिकली डर है इनके अंदर कि आपको इनसे कोई और चुरा के ना ले जाए, आप किसी और के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं, कि आप इनके बारे में भूल ही जाओ। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी यादों में रखो, आप इनके बारे में सोचो, आप इनकी तरफ आओ। इनकी इंटेंशंस यही हैं आपको लेकर, कि आपकी 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 वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है।
एंड चाहते हैं कि आप ही इनिशिएटिव लेकर यू नो इनके पास आ जाएं। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि दिन रात इनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप ही चल रहे हो। डे एंड नाइट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आप ये बेसिकली अगर किसी और के साथ भी हैं अभी, तो ये आपके साथ ही अपना जीवन देखते हैं, आपके साथ ही ये शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में सब कुछ बनाकर रखना चाहते हैं और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। तो अगर ये कहीं और इन्वॉल्व हैं भी हैं, तब भी मुझे लगता है कि आपके बगैर खुश नहीं है उधर भी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये पर्सन क्या आएंगे आपके पास या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं तीन कार्ड लूँगी इस डेक से, क्या ये आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, प्लीज़ बताइए कि ये आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, एज इन मेरे व्यूअर के पास वापस उनके पर्सन पहुँचेंगे खुद से या नहीं। थैंक यू। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, डेथ, द हर्मिट, एक लास्ट कार्ड भी लेंगे, एस ऑफ सोड्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सोड्स। गाइज, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बेसिकली ये पर्सन की एक्चुअली बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। अगर आप इस वक्त में इस पर्सन से एक्सपेक्ट करें कि चुटकी बजाई और ये इनको हो जाएगा सब चीज़ें अच्छे से और ये आ जाएंगे, तो नहीं, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे ढंग से कि आप की इम्पॉर्टेंस क्या है, जो कि ये समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, बट जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है, इनका जो शिफ्टिंग का पीरियड है, जो नेगेटिविटी रिमूविंग का पीरियड है, ये पूरा का पूरा इनसे नहीं निकल जाती है, वो एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आती हैं, जब तक ये रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है, आपके बिना इनकी लाइफ कुछ नहीं है, आप इनके लिए क्या थे, इन्होंने गलत चीज़ को चूज़ कर लिया, जब तक इनको वो डीप इनसाइड वो रिग्रेट नहीं होगा, जब तक वो उस चीज़ को एहसास नहीं कर पाएंगे, तब तक यू नो चीज़ें थोड़ी डिले में रहेंगी, बट डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं। एक बारी सही वक्त आए और रियलाइजेशन हो, तो ये पर्सन को क्लैरिटी होगी, जिससे कि खुद आगे बढ़कर आपकी तरफ आएंगे, न्यू बिगिनिंग्स होंगी इस रिलेशनशिप के अंदर, और ये जो जाल बिछ गया है नेगेटिविटी का, प्रॉब्लम्स का, ईगो का, एंड यू नो जो लोगों की नेगेटिव थिंकिंग जो लोगों ने इस रिलेशनशिप के अंदर डालने की कोशिश करी है, वो सब चीज़ें अपने आप ही वार्ड ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बात बोलना चाह रहे हैं, अपने मन की कोई बात आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है। ओके, सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट, देख लेते हैं आपके पर्सन के ऑनेस्ट कन्फेशन क्या है आपके लिए। इस डेक से देखेंगे आपके पर्सन का ऑनेस्ट कन्फेशन आपके लिए क्या है, देखते हैं। पहला कार्ड, आई डोंट नो हाउ आई डिड थिंग्स दैट हर्ट यू। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे इन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी जिससे आप इतना हर्ट हो गए। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, इनके लिए बहुत मुश्किल है आपके बगैर रहना, आपको जाने देना तब भी इनके लिए बहुत मुश्किल था और अब भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। आई फील यू आर स्टिल स्टक ऑन द पास्ट, इनको ऐसा लगता है कि आप अभी भी पास्ट में जी रहे हो और पास्ट में कहीं पे स्टक हो सकता है कि आपके एक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है या आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं आप अभी भी उसके ऊपर ही स्टक हैं। तो ये आने से भी डरते हैं कि अगर आप फिर से वो पास्ट की बातें उठाएंगे और वो पास्ट एनर्जीज के साथ ही अगर आप उसी के अंदर ही हैं तो ये डरे हुए हैं उस चीज़ को लेकर भी। यू ट्रिगर माई ईगो, जैसे मैंने आपको बताया ईगो इशूज़ भी हो सकते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी कहीं ना कहीं ईगो को भी हर्ट करते हो, एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इनको ऐसा लगता है आप इनकी ईगो को ट्रिगर करते हो, हर्ट करते हो। मे बी समडे थिंग्स विल गेट ऑल फाइन बिटवीन अस, तो इनको होप है, वो अभी भी इनके अंदर वो एक पॉजिटिविटी है, दैट यू नो होपफुल एटीट्यूड इज स्टिल देयर, कि जो इनको ये बार बार बताता है कि नहीं सब अच्छा होगा, सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा आप दोनों के बीच में, तो एक वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनको विश्वास है पूरा कि मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट सब कुछ बहुत अच्छा होगा जल्द ही। वॉट इफ
यू फॉल आउट ऑफ लव विद मी. तो जैसे मैंने बताया, डर है इनको कि ये मेरे जो मैं प्यार जो ये मुझे करती है या मुझे इतना प्यार करता है, अगर ये मुझे करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा. तो डरते हैं आपको खो देने से. तो एक ये एनर्जी भी यहाँ पर है, राइट. आई वॉन्ट यू टू सिट डाउन एंड लिसन टू माई साइड ऑफ द स्टोरी. तो ये चाहते हैं कि सब आप अपनी ही बात ना बोलें. इनको ऐसा लगता है ये मेरी बात तो सुनती ही नहीं है, ये मेरी बात तो समझता ही नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि आप भी इनकी इनकी तरफ की बात भी सुने कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्यों इतने प्रॉब्लम्स आए थे, क्या सिचुएशन हुई थी. तो ये आप ही चाहते हैं कि आपको अपनी बातें भी बताएं. बोथ ऑफ अस कैन हील टुगेदर. तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि हम इकट्ठा होकर हील हों और चीज़ों को अच्छा करें, ठीक करें और फिर से एक हो जाएं, राइट. बॉटम ऑफ द डेक में है, आई एम सफरिंग इन साइलेंस इन यू थिंक आई एम हैविंग फन. तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत खुशी मना रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है. ये बहुत तड़प रहे हैं अंदर ही अंदर, इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो ये आपको नहीं बताते हैं. सो ये इनके मन की कहानी है आपके लिए. एंड जाते जाते मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेज भी पिक करना चाहूँगी जो कि आपको क्लैरिटी देगा कि आपको आगे अब क्या करना है. ओके, सो लेट अस सी आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है. थैंक यू सो मच. हैप्पी एंडिंग, ब्यूटिफुल. सो आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर अंत अच्छा नहीं हुआ है तो वो अंत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने साथ में ही रहना है. तो अभी अगर वो बिल्कुल ऐसा था कि ब्रेकअप हो गया, वो सैड एंडिंग हुई ना, हैप्पी तो नहीं हुई, तो ये एंडिंग नहीं है. आप दोनों की जो एंडिंग होगी वो बहुत ही खुशियों भरी होगी. तो हैप्पी एंडिंग यहाँ पर आया है, ठीक है. नेक्स्ट है हीलिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे कि चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं. तो थोड़ा सा टाइम देना होगा, बट अच्छे से सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएंगी. नंबर 66 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नंबर 93 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, 6 एंड 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, नंबर 12 एंड 30th, 21st, 15th एंड 24th, 27th एंड 18th भी मुझे यहाँ पर लकी दिख रहा है. लास्ट मैसेज है कंपैशन का. तो थोड़ा सा काइंडनेस भी करनी है गाइज. आप जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ ही इतना ज़्यादा आप रूड हो गए हैं, अनकाइंड हो गए हैं. थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, अपने ऊपर भी थोड़ा सा रहम बख्शना है आपने. क्यों अपने साथ इतना आप रूड हो गए हैं, या सामने वाले के साथ, या अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं, वो कंपैशनेट एनर्जी के साथ आपने कनेक्ट करना है. अपने आप को भी प्यार देना है, सामने वाले को भी. और साथ में मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि थोड़ा काइंडनेस के साथ आपने कनेक्ट करना है. चैरिटी करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. अबंडेंस है बॉटम ऑफ द डेक में. तो यहाँ पर हमको ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत ही जल्द. ओके, सो बिल्कुल भी डरना नहीं है. नंबर 88, 8, 17 एंड 26 भी मुझे यहाँ पर लकी दिख रहा है. नंबर 9 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट की होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी. अगर हुई है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा बॉटम ऑफ द डेक में. मेरे को यहाँ पर जैसे बताया अबंडेंस आया है, तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, आई एम अबंडेंट. ओके, या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग. सो ज़रूर 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 अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाय बाय, टेक केयर.